Hey class 10, welcome to the question and answer of a baker from Goa. A baker from Goa glimpses of India ka pehla story hai. Iske baad Kurg ka question and answer and iske baad hum टी फ्रॉम असम का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपके सामने लेके आएंगे. इस वीडियो में हमने इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी रखा है और जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है वो भी रखा हुआ है. ठीक है, तो हम थोड़ा सा इन वीडियोस में आपको क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएंगे, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम देंगे, एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम देंगे आपको. और ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को अपने से पढ़ सकते हैं. ठीक है, रिमिनिसिंग का मतलब क्या होता है? टू टॉक और राइट अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब किसी पुरानी चीजों को याद करना या लिखना. ठीक है, जो तुम्हें खुशी देती हो उसको हम रिमिनिसिंग कहते हैं. नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या होता है? फीलिंग हैप्पी एंड ऑल्सो स्लाइटली सैड व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट. मान लो तुम्हारे साथ कोई घटना पुराने समय में घट गई हो और तुम अब उसको याद कर रहे हो, तो भाई अब तुम क्या हो रहे हो? तुम नॉस्टैल्जिक हो रहे हो. नॉस्टैल्जिया का मतलब समझो, जो पुरानी यादें होती है उनको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं. ठीक है, जिंगल अभी क्रिसमस का टाइम है तो जिंगल बेल सुनते होंगे. जिंगल का मतलब छन 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 की जो आवाज होती है ना, उसको हम जिंगल कहते हैं. ठीक है, हेरोल्डिंग का मतलब होता है अनाउंस करना या किसी चीज का होने का अनाउंसमेंट करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल कल पार्टी है, तो आज ही अगर तुमने बता दिया तो तुमने क्या कर दिया? हेरोल्ड कर दिया. ठीक है, रिब्यूक का मतलब होता है थोड़ा सा डांटना. पैरापेट का मतलब होता है जो घरों के बाहर बाउंड्री लगाई जाती है ना, छोटी छोटी. जैसे मान लो ये तुम्हारा मेन गेट है और ये तुम्हारा पूरा घर है. ठीक है, तो ये बाउंड्री जो लगाई जाती है ना, इसको हम पैरापेट कहते हैं. पीप का मतलब होता है किसी को चुपके से झांकना. प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना. फीस्ट का मतलब होता है दावत. जो आपके यहाँ पार्टीज होती है ना, तो लोग रात में खाना खाते हैं ना, तो उसको हम फीस्ट कहते हैं. पेकुलर का मतलब होता है अजीबो गरीब, एकदम स्ट्रेंज. प्लम का मतलब होता है मोटा तगड़ा. और टेस्टिमनी का मतलब होता है किसी चीज का प्रूफ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इनटेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस है. व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? आप अगर गोवा में जाओगे ना, तो वहां जो बड़े बुजुर्ग हैं वो किन चीजों को याद करते हैं? नॉस्टैल्जिया का मतलब पुराने समय को याद करना. तो भाई कौन से पुराने समय को याद करते थे गोवा के लोग? गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज. गोवा में ना 1961 के पहले, 1961 में गोवा इंडिया का पार्ट बना है. इसके पहले वहां पर पुर्तगीज लोगों का राज हुआ करता था, पुर्तगाली गवर्नमेंट हुआ करती थी. तो भाई जो गोवा के लोग हैं ना, वो पुर्तगाल के दिनों को याद करते हैं. क्यों? क्योंकि जो पुर्तगीज होते थे ना, वो बहुत ही अच्छा ब्रेड और रोटी बनाया करते थे, जो गोवा वालों को बहुत पसंद. इसलिए आज भी जो गोवा के एल्डर्स है ना, वो पुराने दिनों को याद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? पूछा जा रहा है कि क्या अब भी गोवा में ब्रेड बनाया जाता है, और इस बात का पता तुम्हें कैसे चलता है? भाई हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, ये देखो, यस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नैरेटर्स स्टेटमेंट. हमने चैप्टर को पढ़ा था, तो नैरेटर ने कहा था कि भाई तुम गोवा में आज भी जाओगे तो तुम्हें मिक्सचर्स, पाउडर्स और जो केक बनाते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, वो लोग तुम्हें आज भी मिल जाएंगे. इसके अलावा टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, मतलब वो भट्टियां जिसमें ब्रेड बनाई जाती है, वो भी तुमको आज गोवा में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? गोवा में जो ब्रेड बनाते हैं, जो रोटियां बनाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पैडर कहते हैं. नाम याद रखना, गोवा में जो बेकर्स लोग होते हैं ना, उनको पैडर कहा जाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? अब यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई चैप्टर में हमने पढ़ा था बेकर दिन में 2 बार आता था. ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि भाई हर दिन कितनी बार आता था बेकर? तो बेकर दिन में ट्वाइस अ डे, यानी 2 बार आता था. एक बार सुबह जब वो ब्रेड बेचने जाता था, और दूसरा जब ब्रेड बेच के वापस आता था. ठीक है, बच्चे ब्रेड बनाने वाला जो पैडर होता है उसके पास क्यों दौड़ के जाते थे? क्योंकि बच्चों को ब्रेड बैंगल्स चाहिए होता है, गोला गोला सा रहता है, ब्रेड का ही बना होता है. ठीक है, तो बच्चे इसे लेने के लिए भाग के जाते थे, ब्रेड बनाने वाला जो पैडर होता है उसके पास जाते थे, कहते भैया भैया मुझे ब्रेड बैंगल चाहिए. ब्रेड वाला इनसे बड़े प्यार से बात करता था और इन्हें ब्रेड बैंगल भी देता था बच्चों को. ठीक है, एक लर्नर्स, आप सभी ने कभी ना कभी लैपटॉप या फोन में गेम तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी कॉम्पिटेटिव गेम फील्ड बैटल देखा है? ये एक ऐसा बैटल फील्ड होता है जहां पर हजारों लर्नर्स आपके साथ कम्पीट कर रहे होंगे 1 करोड़ स्कॉलरशिप के लिए और मेरिट सर्टिफिकेट के लिए. भाई ये सब पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है अनअकैडमी के कॉम्बैट में? अनअकैडमी कॉम्बैट है क्या भाई? यहां पर ना अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं,
हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, भाई आपका जो लाइव लीडर बोर्ड होता है वो जनरेट होता रहता है, हर क्वेश्चन के बाद आपका लीडर बोर्ड जनरेट होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से नंबर पर हो अभी। इसके अलावा पर्सनलाइज स्कोर रेटिंग से आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई आपके पास चांस है जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे वो मेरिट सर्टिफिकेट जीत सकते हैं और 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। बेसिकली अनअकैडमी कॉमेट है क्या, ये एक तरीके का फ्री लाइव टेस्ट है जहां पर क्लास 6 टू क्लास 12 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट से आप इस टेस्ट को दे सकते हो। वैसे इस टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 से 60 मिनट का आपका टाइम होगा हर संडे। क्लास 6 टू 8 वालों के बच्चों के लिए 12 बजे हर संडे 12 बजे दोपहर को, क्लास 9th एंड 10th वालों के लिए 11 बजे एंड 11th एंड 12th वालों के लिए 1 बजे ये लाइव टेस्ट कंडक्ट होगा। सो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी अपने अपने क्लास की। मेरे कोड को यूज करो, PREM, ये मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज करके फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हो। इवन अनअकैडमी से किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग करनी हो 10% डिस्काउंट में, तो आप हमारे इस कोड को यूज कर सकते हो, गो फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है क्रिसमस ऑफर, जिसमें आप अगर अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेते हो 12 महीने के लिए, तो आपको अगले 4 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। ये पर्टिकुलर ऑफर क्लास 6 टू 12 वालों के लिए है, तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिंक पर क्लिक करो और मेरे कोड PREM का यूज करके इस परचेसिंग को कंप्लीट करो। ये आपको ऑफर ऑटोमेटिकली मेरे कोड को यूज करते ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर अनअकैडमी से किसी भी तरीके की परचेसिंग करते हो तो आपको PREM कोड का यूज करना है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, सो गो फॉर इट। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, व्हाट डिड द बेकर्स वियर। अब कहा जा रहा है कि भाई बेकर्स जो गोवा में है ना, वो दो अलग-अलग कपड़े पहनते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन द पुर्तगाली डेज। अब बताओ कि पुर्तगाल के समय में जो बेकर्स हुआ करते थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कबाई पहना करते थे। कबाई कैसा होता है, ये एकदम फ्रॉक की तरह होता है जो घुटने के नीचे तक आता है, एक ही लंबा सा कोट जैसा होता है, उसको हम कबाई कहते हैं, ठीक है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। व्हेन द ऑथर वॉज यंग, अब दूसरा, अब गोवा में अब जो लोग बेकर्स हैं वो कैसा कपड़ा पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, और जो ट्राउजर की लेंथ होती है ना वो फुल से थोड़ा सा कम होती है और हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 3/4 जिसे हम कहते हैं, घुटने के नीचे और पैर से ऊपर, ऐसा शर्ट और ट्राउजर वो लोग पहनते हैं आज गोवा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भाई गोवा में किन लोगों को पैडर कहा जाता है, मतलब अगर कोई ऐसा होता है ना कि किसी पर कमेंट कहा जाता है, आज भी लोग अगर लंबा कपड़ा पहनते हैं गोवा में तो उन्हें पैडर कहा जाता है। वही पूछ रहा है कि भाई किन लोगों को गोवा में पैडर कहा जाता है और क्यों। कोई भी इंसान जिसने हाफ पैंट पहन रखी हो, जो घुटनों के नीचे आती हो लेकिन फुल ना हो, ऐसे लोगों को हम पैडर कहते हैं, क्योंकि भाई गोवा में जो पैडर होते थे ना वो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहनते थे, उनके कपड़े को देखकर हम उन्हें पैडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, मतलब जो बेकर होता था ना वो महीने भर का हिसाब दीवालों पर लिखता था, पेंसिल से दीवालों पर लिख देता था, जिस घर का हिसाब होता था उस घर के दीवाल पर वो पेंसिल से लिख देता था और महीना खत्म होते अपना पैसा लेके चला जाता, ठीक है। व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस, कटहल जैसा दिखना क्या होता है, मतलब मोटा तगड़ा दिखना, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, आपके सामने 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। द पैडर वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स, बिल्कुल सही बात है, पुराने जमाने में जो पैडर हुआ करते थे, जो बेकर हुआ करते थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे गाँव में, ठीक है। पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेजेस, बिल्कुल सही बात है। द पैडर्स वेंट अवे विद पुर्तगीज, गलत, पैडर्स अब भी हैं गोवा में। द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, नहीं, अब वो शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं, ठीक है, अब वो लोग लंबा फ्रॉक जैसा कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन द ओल्ड डेज, बिल्कुल सही, ब्रेड और केक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था गोवा के गाँव में। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, यस, ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, इट इज नीडेड फॉर मैरिज गिफ्ट, शादियों में गिफ्ट भी दिया जाता था तो ब्रेड दिया जाता था, पार्टीज, फीस्ट, इन सभी में जो ब्रेड होता है ये अलग अलग अपना जो रेसिपी बनाई जाती है ब्रेड से, कोई केक बनाता है, कोई ब्रेड बैंगल बनाता है, तो वो अलग अलग पार्टीज और मैरिज गिफ्ट्स और फीस्ट में दिया जाता है। ब्रेड इज ऑल्सो नीडेड बाई ए मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेस ड्यूरिंग हर डॉटर्स एंगेजमेंट, भाई गोवा में आज भी अगर किसी
माँ के बेटी की शादी होती है ना, तो माँ सबके लिए सैंडविचेस बनाती है, और सैंडविचेस बनाने में भी ब्रेड की जरूरत होती है. दैट इट इज नेसेसरी टू हैव ब्रेड फॉर एवरी ओकेजन. इसलिए कहा जा सकता है कि भाई ब्रेड गोवा में बहुत जरूरी है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. होप यू हैव लव दिस चैप्टर. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें. मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ. तब तक के लिए शशि अकाल और जय हिंद.